हेलो हेलो, सुबह के 5:30 हुए हैं और हम जा रहे हैं शूट पे। जैसे आप देख सकते हो अभी भी अंधेरा है। देखो हम आ गए हैं शूट पे एंड कोई नहीं आया है, मैं ही पहुंची हूँ एज यूजुअल। हाँ, अभी भी अंधेरा है, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, चालू करवाते हैं काम। चलो, एक्टर्स को बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक वैनिटी वैन का सेटअप नहीं हुआ है, तो मैं वेट कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। धीरे धीरे मॉर्निंग हो रही है तो वॉक कर लेते हैं, अच्छा होता है वॉक करना और उठ जाते हैं थोड़ा, है बिकॉज टाइम है अभी। मैं जब ड्राइव करके आ रही थी तो मैंने जनरेटर वैन देखी थी मेरे आगे आगे, मैंने बोला आप तो देखो मैं ये ऑन करूँगी जाके, है तो जनरेटर की आवाज़ आ गई है। होपफुली मैंने भी 2-3 मिनट में मैक्स सेटअप हो जाएगी। सो फिर तैयार होना चालू करेंगे। हाँ जी, दसो ठीक हो? थले थले थले। हेलो, गरम था बहुत। ना वो जो लोग होते हैं ना जो कहीं भी सो जाते हैं, मतलब कहीं भी बैठे बैठे सो जाते हैं, कोई कोई तो खड़े खड़े ऐसे सो जाते हैं, आई एनवी देम यार सच्ची। उन लोगों की ना नींद पूरी हो जाती है, यहाँ नैप कर लिया वहाँ नैप कर लिया, और हम जैसे वो बस बैठे ही रहते हैं। हाँ, मुझे तो मतलब पूरा वो सेटिंग चाहिए, जैसे होता ना कि अपना रूम चाहिए, उसमें क्लीन बेडशीट चाहिए, मतलब इतने नखरे हैं ना लाइफ में इतने, तो अभी आपके इतने नखरे हैं तो उठाओ फिर, मत सो, बिना नींद के काम करो, यही होगा ना फिर, और क्या हो सकता है। तो शूट पे ये हमारा घर है अभी फिलहाल, पता नहीं ये क्यों बज रहा है, इसको बंद कर देते हैं। और ये देखो इंस्टा की फोटोग्राफ्स उठाते हुए शूट वालों ने बहुत तगड़ी प्लानिंग की है। अलार्म बज रहा था, फोन नहीं। क्या? अलार्म बज रहा था, फोन नहीं। अच्छा, आपका बज रहा है? अलार्म जो सेट किया था स्नूज पे बज रहा था। मिंट पोस्ट लंच। देखो जनरेटर गया, लाइट गई, अब क्या करें? फोन किधर है मेरा? देखो भाई, अगर आप सोए नहीं हो ना तो फिर ऐसे ही पीजे मारोगे और आपको सुनने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे। जाओ ना यार, तो डांस करो। शॉट का वेट कर रहे हैं। सच्ची एक्टर की ना आधी लाइफ आई थिंक वेटिंग में निकल जाती है, शॉट के वेटिंग में मेन। एक्चुअली आई थिंक अगर आपको ये वेटिंग आ गई ना तो आपको सब कुछ आ गया।
बचपन की यादें, चॉक, ब्लैक बोर्ड। हाँ नहीं नहीं थैंक यू, दरवाजा बंद कर दीजिए। लंच ब्रेक हो गई है गाइस, सो ये एप्रन ना बांधना पड़ता है, और स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जो बहुत क्लमजी होते हैं। हाथ भी धो लिए हैं और अब खाएंगे हम लंच। सबसे इजी चीज़ जो आप घर से लेकर आ सकते हो या कभी भी किधर भी जा रहे हो, और वो होता है एनी टाइप ऑफ रोल, क्योंकि रोल इजी भी होता है खाने के लिए, और उसको रैप भी अगर आप अच्छे तरीके से करो तो इट्स ईजियर, क्लीनर, नो फस। तो आज मैं लंच में लेकर आई हूँ आलू रोल, आलू की सब्ज़ी। पराठा बनाओ अलग से, उसको रोल करो और अच्छे से खा लो। बहुत भूख लगी थी, 3 बज गए आई थिंक, इट्स 3 o'clock, तो भूख तो लगी जाएगी यार 3 बजे, और स्पेशली अगर आप काम कर रहे हो तो। दो ही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, पहली नींद, दूसरा खाना। तो चलो अब शूट करें तो नींद तो हो नहीं रही है, पर खाना तो खाना चाहिए ना, मिलना चाहिए टाइम टू टाइम। देखो वैसे लोग बोलते हैं कि खाना खाने के टाइम पे बात नहीं करना चाहिए, पर अब मैं क्या करूं, काम कर रहे हो और ब्लॉगिंग भी करनी है, आपने सब कुछ करना है, तो फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। आइलैंड में जो मतलब काफ़ी यहाँ पे जंगल वंगल है, सब है, तो मच्छर हो गॉड, इतने मच्छर हैं अभी दिन में, इतने मच्छर हैं, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं। अभी गुड नाइट लगवाई है मैंने, और वो ओडोमोस भी स्प्रे किया है, एंड पता नहीं रात को क्या होने वाला है हमारा। और आज डेट शिफ्ट है, दैट इज़ 12 आवर्स प्लस 6 आवर्स, सो 18 आवर्स का काम है आज, बहुत काम है, खाना बहुत ज़रूरी है। पता क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूस काम कर रहे होते हो ना, कंटिन्यूस, तो आपको थकावट नहीं होती। अगर बीच में ऐसे बहुत घंटों का ब्रेक हो जाए तो फिर आप बहुत थक जाते हो, बहुत थक जाते हो। अगर 18 आवर्स की शूट है नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर यार काम करा लो, ऐसे बिठाओगे ना फिर गुस्सा आता है, फिर ऐसा लगता है नहीं अभी चले जाओ, नहीं चले जाओ, घर चले जाओ। अटेम्प्ट करूं नहीं यार, खिलारा ही पाऊंगी मैं, तो लेट्स नॉट अटेम्प्ट इट, है ना। रोल नंबर 2। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। उस दिन मैं अपनी शूट फिनिश नहीं कर पाई, क्योंकि जो डेट शिफ्ट कहा था वो 2 शिफ्ट हो गए थे, एंड आई वाज सो टायर्ड, और मैं बीमार भी हो गई, जिसके वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। कल भी मेरी शूट थी पर मेरे से बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं हुई, तो मैंने सोचा आज मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए। पता नहीं मैं तो इतनी सुंदर भी नहीं लग रही हूँ यार इसमें, पता नहीं मुझे क्या नज़र लग गई, क्या हो गया कि मैं बीमार पड़ गई यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, हैं? चल कोई नहीं, I'm kidding guys। और मेरे साथ एक और चीज़ हो गई थी, शूट स्टार्ट होने से पहले मुझे पिंपल्स हो गए, विच इज़ रियली रियली बैड। आपके साथ कभी ऐसे होता है कि मतलब साल भर आपका स्किन ऐसे ग्लो कर रहा होता है, और जिस दिन कोई इवेंट होती है या कोई शादी होती है या दिवाली होती है या आपको पीक पे जाना होता है, तब आपको पिंपल्स हो जाए, एंड नॉट डन, नॉट फेयर, जस्ट नॉट फेयर। तो मेरे साथ भी सैडली यही हुआ। तो आई थिंक शूट के दिन, लाइक एग्जैक्टली शूट के दिन मुझे पिंपल्स हो गए, सो आई डोंट नो इट वाज एन एलर्जी या क्या था, गॉड नोज, बट
इससे पहले मेरे साथ कुछ और हो जाए, आई शुड रैप दिस अप एंड टेल यू गाइस बाय, सी यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सरकार हुदल. प्लीज और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा था. आई नो कुछ बहुत अमेजिंग मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि जब शूट करते हैं आप बहुत कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते. सो दैट इज द रीजन आई एम सो सॉरी कि मैं आपको कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ. ना बोलती रहूंगी उससे अच्छा मैं आप नहीं बच जाइए, रुक जाइए. नहीं, नहीं. ओके देन बाय.